खूंटी जिले में दो आदिवासी युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के आरोपी भरत महतो को खूंटी बाजार से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी और बाइक बरामद की है। एसपी आशुतोष शेखर ने गंभीरता से लेते हुए एसआईटी टीम का गठन किया है। एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार के बाद बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बीते 22 जून को दो आदिवासी युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। युवतियों को दो बाइक पर सवार चार युवकों ने नेताजी चौक से पहले अगवा किया और फिर एक स्कूल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि दोनों युवती घर का सामान खरीदने बाजार पहुंची थी, जहां से अपराधियों ने चाकू का भय दिखाकर उनका अपहरण कर लिया, फिर एक गांव स्थित स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म के बाद आरोपी 22 जून की देर रात करीब 2 बजे दोनों पीड़ितों को छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित युवतियां किसी तरह वहां से गांव पहुंची और सड़क किनारे बैठी रही। स्थानीय महिलाओं के पूछने पर दोनों पीड़ितों ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बिकॉज दोनों लड़कियां इस क्षेत्र से परिचित नहीं है और वो रात्रि का समय था, तो और उनको एक स्कूल में लेके ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, तो उनके द्वारा शुरू में जो गांव वालों को या पुलिस को भी जो सूचना दी गई थी कि ये माहिल मध्य विद्यालय में घटना घटित हुई है, परंतु अभियुक्तों के साथ जो पूछताछ की गई उसके बाद जब बात सामने आई है और फिर पीड़ितों ने भी उन पूरे घटनास्थल को देख के उसको पहचाना कि यही घटनास्थल है, तो ये पूरा घटनाक्रम गनलोया के उत्क्रमित मध्य उच्च विद्यालय में घटित हुई है।